हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बात करने वाले हैं। अगर आप भी एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि लाइक देखा जाए किसी का चैनल हो, किसी भी प्रकार का चैनल हो, चैनल क्रिएट करने के बाद आपको एक चीज दिखता होगा सब्सक्राइबर काउंट का नीचे। जैसे कि आप सब्सक्राइबर काउंट वाला ऑप्शन बहुत लोग सोचते हैं भाई इनेबल करो या डिसेबल करो। हालांकि ये पहले से जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो इनेबल होता है। इस पे आपको डाउट बना रहता है कि इनेबल करूँ और हमारे सब्सक्राइबर पता नहीं इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर हाइड कर देता हूँ तो हमको कैसे पता चलेगा और कहाँ से मैं हाइड करूँगा और हाइड करने से फ़ायदा क्या होगा, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाइड करने का फ़ायदा क्या होता है और अनहाइड करने का क्या फ़ायदा होता है। तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बता दें दोस्तों, आपको सब्सक्राइबर हाइड करने के दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जैसा कि आपका चैनल थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का लगता है, अगर आपके जो आइकन होते हैं अच्छे से आप लगा लेते हैं बहुत ही अच्छा सा दिखने लगता है। और उससे एक चीज़ ये होती है कि आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं आपके चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उनको ये चीज़ नहीं लगता कि इसके सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं। और बहुत लोगों को ये नहीं दिखता है कि इनके कितने सब्सक्राइबर हैं और धड़ाक से वो सब्सक्राइब कर देते हैं आपकी वीडियो जब अच्छी लगती है उनको तब। और उसके बाद बता दें, अगर आप सब्सक्राइबर ओपन किए रहते हैं तो क्या होता है, ओपन करने से हालांकि कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके चैनल को, लेकिन एक चीज़ का दिक्कत ये हो सकती है, बहुत लोग आपके चैनल को देखेंगे तो कहेंगे ओह इसके तो इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने जल्दी कैसे इतने सब्सक्राइबर हो गए। इससे थोड़ा आपके चैनल पर इफेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। और उसके बाद बता दें आपको ये जो तीसरी बात है, हालांकि आप जानते हैं सब्सक्राइबर हाइड करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं तो आज वो भी मैं बता देता हूँ आपको सब्सक्राइबर हाइड करने के बारे में। तो आइए वीडियो पे आगे दिखाते हैं। सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए सबसे पहले आप चले जाएं अपने क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको YT स्टूडियो में चले जाना है, क्रिएटर स्टूडियो जिसको बोलते हैं। क्रिएटर स्टूडियो जाने के बाद कुछ इस प्रकार, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ नीचे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से चले जाएँगे आप लोग, यहाँ से हम लोग अपने चैनल में आ जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं चैनल वाला ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे एक बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फ्यूचर एलिजिबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद कुछ ऐसा ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, आपको यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये पॉइंटर मेरा यहाँ पर चल रहा है, सब्सक्राइबर काउंट यहाँ पर देख सकते हैं मैं इनेबल किया हूँ हमारे जो कि 1000 से अब सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ से अगर आपके भी एक के नीचे होते तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, हालांकि आपकी मर्जी करें या ना करें। तो यहाँ से मैं अभी कर दूंगा कुछ इस प्रकार। उसके बाद करने के बाद यहाँ नीचे सेव वाले ऑप्शन पे सेव कर दूंगा तो सेव हो जाएगा, हालांकि मुझे अभी करना नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको टिक करके और सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ यहाँ से आप सब्सक्राइबर हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।